डॉक्टर हकीम यासर अरफात साहब, आप हैं डॉक्टर हकीम सफीना साहिबा। आप दोनों तिब्बे यूनानी में एमडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा डॉक्टर यासर अरफात साहब ने एरोमाथेरेपी, रेकी, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर की यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की हैं। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं जिनसे कई लोग मर चुके हैं, जिसको किडनी फेलियर कहते हैं। ये दो किस्म का होता है, अक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। अक्यूट किसको कहते हैं, जिसको हाथ अमराज गुर्दा यानी सडन तौर पर गुर्दों का फेल हो जाना, वो कब होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, या कई औरतों को डिलीवरी के वक्त में ब्लड प्रेशर बढ़ के जो किडनी फेल होता है, इसको कहते हैं अक्यूट किडनी फेलियर। और एक होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर या क्रॉनिक रेनल फेलियर, यानी कोई एक और वजह की वजह से उसको टाइम लगता है 10 साल से लेकर 15 साल तक। यानी कोई ऐसा एक पेशेंट है जो कि डायबिटीज में मुब्तला है, तकरीबन 10 साल से उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा शख्स है जिसको बीपी है, या कोई किडनी में स्टोन है, या कोई पेन किलर ज़्यादा खाता है, या कोई एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, या कुछ लोगों को गुर्दों में फोड़े होते हैं जिसको पॉलीसिस्टिक किडनीज कहते हैं। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए और वक्त पे इलाज ना किया जाए तो ये किडनी को नुकसान पहुंचाती है और इससे जो किडनी फेल होते हैं इसको क्रॉनिक किडनी फेलियर या क्रॉनिक रेनल फेलियर कहते हैं। जब तक दोनों किडनी फेल नहीं होते तब तक हमारे ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन इंक्रीज नहीं होता है। समझो कि एक किडनी काम कर रही है और एक किडनी कम्प्लीटली फेल हो गई, और जो किडनी कम्प्लीटली फेल हो गई अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं, निकाल भी देते हैं, उसके बाद भी अगर हम अपना ब्लड टेस्ट करके देखते हैं तो ब्लड के अंदर जो यूरिया और क्रिएटिनिन जो होता है वो नॉर्मल ही शो करता है। समझो कि एक ही किडनी बाकी है, अगर वो 50% काम कर रही है और 50% फेल हो गई है, ऐसे वक्त में भी अगर ब्लड टेस्ट उठा के देखेंगे जिसको रेनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, उसके अंदर ये यूरिया और क्रिएटिनिन जो है नॉर्मल शो करता है। जब दोनों किडनी या एक किडनी है तो वो भी अगर 80% से ज़्यादा फेल हो जाती है तब ये जो गिलाजत है ब्लड के अंदर आके जमा हो जाता है। क्योंकि गुर्दों का फंक्शन क्या है, गुर्दों का फंक्शन ये है, गुर्दों की अफाल ये है कि हमारे जो भी खाना और पीना जो भी हम करते हैं वो गुर्दों को जाके फिल्टर करती है, उसका काम है छलनी करना। अगर जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो यूरिन के ज़रिए से प्रोटीन लीकेज होता है और ब्लड में गिलाजत जाके जमा होती है, जिसको हम यूरिया और क्रिएटिनिन कहते हैं। अगर ये यूरिया 45 से लेके अगर 100 तक भी जाता है और क्रिएटिनिन 1.5 से लेके अगर 5 तक भी जाता है, तब तक भी पेशेंट को किसी भी किस्म की फिजिकल तकलीफें पता ही नहीं चलती। जब ये यूरिया 100 से बढ़ना शुरू होता है, जब क्रिएटिनिन 5 से बढ़ना शुरू होता है, तब 6 किस्म की अलामतें बॉडी के अंदर जाहिर होना शुरू होती हैं, जैसा मतली होना, उल्टी होना, पैरों में सूजन होना, पेट में पानी भरना, दम घुटना, हिचके आना, कमज़ोरी होना, पेशाब का कम हो जाना, ये एक अलामतों के बाद दूसरा आना शुरू हो जाते हैं। कई मरीजों को हमने देखा है कि बदन के अंदर जो है थोड़े थोड़े फुंसियाँ निकलना शुरू होते हैं और चेहरा वगैरह सफ़ेद हो जाता है। ऐसे वक्त में जब एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास हम बताते हैं या बड़े हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं मॉडर्न हॉस्पिटल्स, वहाँ पर जब बताते हैं तो वहाँ पर दो ही सोल्यूशन आपके सामने रखते हैं कि भाई इसको इस वक्त में या तो डायलिसिस करना पड़ेगा या तो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। ये डायलिसिस क्या है, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, बहुत लोगों को पता है और जो लोगों को नहीं पता है वो भी आप मालूम करें। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अमल होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है। हमारे यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम किडनी फेलियर का इलाज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी यूनानी किताबें अगर आप देखा जाए 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, उनके अंदर ऐसी अदवियों का जिक्र है जो गुर्दों को ताकत देती है, गुर्दों के अफाल को ठीक करती है, पेशाब को लाती है, खून को साफ करती है।
और इसी तरह से जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये आज की दवाएं नहीं है, कई हजारों साल से लोग जो है इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब एलोपैथिक मेडिसिन दुनिया के अंदर नहीं था तो लोग यही जड़ी बूटियों का इलाज करके लोगों को जो है सेहतमंद करते थे। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम ऐसे यूनानी हर्बल दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनमें किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो वो डायलिसिस से भी बच सकता है और ट्रांसप्लांटेशन से भी बच सकता है। मैक्सिमम अगर पेशेंट का यूरिया का लेवल अगर 100 के अंदर हो और क्रिएटिनिन का लेवल 5 के अंदर हो, ऐसे वक्त में अगर मरीज को हमारे हॉस्पिटल में लेके आते हैं या दवाएं हमारे इस्तेमाल कर देते हैं तो मरीज को डायलिसिस करने की और किडनी चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर खुदा ना खास्ता मरीज डायलिसिस में चला गया है और हफ्ते में 2 या 3 डायलिसिस कर रहा है तो यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करने के बाद उन डायलिसिस की क्वांटिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। अगर एलोपैथिक दवाओं के साथ में यूनानी दवाओं का भी इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती दवाओं का इस्तेमाल करें, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि हर्बल दवाओं से अपना इलाज व मुआलजा करें ताकि हमारी जो है सेहत बरकरार रहे और बीमारी को आसान तरीके से और कम दाम में इलाज कर सकें। अगर आप अपने हॉस्पिटल के करीब हैं और आप इलाज व मुआलजा करना चाहते हैं तो आप मरीज़ को ला के हमारे हॉस्पिटल के एक्सपर्ट MD डॉक्टर्स के पास बता के इलाज व मुआलजा कर सकते हैं। अगर आप अपने हॉस्पिटल से बहुत दूर हैं तो आप ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी व्हाट्सएप के या ईमेल के ज़रिए से भेज के हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर से, यूनानी हकीम से कंसल्ट करके दवाएं पोस्ट के ज़रिए से भी मंगवा सकते हैं। मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब शेख समीर अली खान साहब ने मदीना के करिया में जहां गुर्दे और जिगर की बीमारियों का इलाज ऊँटनियों के दूध और अरबी जड़ी बूटियों से करते हैं, वहां डॉक्टर यासर अरफात को ले जाके उस जगह के इलाज के बारे में तफसील से इल्म दिया। आपने दुबई, हांगकांग, चाइना ममालिक का सफर करके इल्मे तिब हासिल किया। तमिलनाडु के गवर्नर इज्जत माआब सुरजीत सिंह बरनाला साहब ने आपके खिदमत के एतराफ में बेस्ट यूनानी फिजिशियन अवार्ड से नवाजा। महाराष्ट्र के गवर्नर इज्जत माआब CH विद्यासागर राव साहब ने भी अपने राजभवन में उनको इंडिविजुअल यूनानी साइंटिस्ट अवार्ड से इज्जत बख्शी है। इनसे रूबरू मुलाकात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम किया जा सकता है। दर्द यानी पेन, आज कोई ना कोई इस प्रॉब्लम में मुब्तला है, चाहे वो सर का दर्द हो, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो कोई किडनी के स्टोन की वजह से दर्द हो। यानी दर्द क्या है नाजरीन आज हमको बताएंगे। मिसाल के तौर पर गर्दन में दर्द है जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। जब यहाँ पर कोई कंजेशन होता है, स्टैग्नेशन होता है तो सबसे पहले यहाँ पर दर्द होना शुरू होता है, या फ्रोजन शोल्डर होता है हाथ में, इसमें दर्द होता है। दर्द की वजह से इंसान क्या करता है कि अपने मूवमेंट्स को कम कर देता है और उसके बाद क्या होता है वहाँ पर स्टिफनेस हो जाती है ना। तो ये एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हर एक हड्डियों के दरमियान अल्लाह सुबहाना व तआला ने एक डिस्क रखा है जो कि जल्ली टाइप होता है। अगर खुदा ना खास्ता किस वजह से, मिसाल के कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हम ऑटो में जा रहे थे, बाइक में जा रहे थे, सडन तौर पर जो है वो कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ पर 5 चीज़ें हो सकती हैं। जो नॉर्मल डिस्क है, इसके बाद डीजेनरेटेड डिस्क है, इसके बाद बल्जिंग होता है, कभी हर्निएशन हो जाता है, कभी थिकनिंग हो जाती है, कभी जो है डिस्क जो है ऑस्टियोफाइट में फॉर्मेशन होता है। यानी इसके कई वजूहात होने के बावजूद भी इसमें जो तकलीफ होती है वो है पेन। एक रग होती है जिसको शियाटिका कहते हैं, जो कि कमर से शुरू होकर पूरा जो है पैर के नीचे तक पहुंचता है। जोड़ों के अंदर जब भी तकलीफ होती है मुतासिर होते हैं उसके नसें। कई औरतें हैं जिनको पीठ में दर्द होता है और वो दर्द पीठ से शुरू होकर नीचे तक पहुंचता है, जिसको उर्दू में अरकुन निसा और इंग्लिश में शियाटिका कहते हैं। एलोपैथिक
इलाज के अंदर अगर आप देखोगे आपको कोई सलूशन नहीं है। भाई दर्द है तो पेन किलर ले लो, ओके, फिर उसके बाद पेन किलर खाएंगे, 2-3 घंटे पेन कम होगा, फिर वापस फिर प्रॉब्लम वही कि फिर तुम जो है दर्द होगा, फिर पेन किलर खाओ, वो पेन किलर का जो है डोसेज समझ में नहीं आया, अगेन हाई डोसेज खाओ। इन पेन किलर के बार बार खाने से किडनी फेल हो जाती है, इसमें यूरिया क्रिएटिन बढ़ जाता है और पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन करने की जरूरत पड़ती है। मगर यूनानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहां पर हम अखलात को ठीक करने के लिए जो है इलाज करते हैं, जहां पर अगर हम ऑर्गन के अंदर टेम्परमेंट खराब होने की वजह से दर्द है तो जाहिर से बात है दवाओं के जरिए से उसका इलाज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कई इलाज हैं, इलाज भी तदबीर कहते हैं, जिसके अंदर कपिंग है, एक्यूपंचर है और लीचिंग है, फिर जो है फर्मेंटेशन है, बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। अगर समझो कि दर्द को भी उसके लोकेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जैसा अगर ये गर्दन में होता है तो सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, पीठ में है और नीचे के हिस्से में तो इसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, अगर ये फ्रोजन में है, जॉइंट के अंदर है तो फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, अगर समझो कि छोटे छोटे बोन्स में है तो रोमेटिड आर्थराइटिस, बड़े बड़े जॉइंट्स में है तो ऑस्टियो आर्थराइटिस, अगर पर्टिकुलरली सिर्फ घुटने में है तो नी पेन। इसका इलाज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आराम से कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम इलाज व मालिजा करते हैं। जो लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, शियाटिका, रोमेटिड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जो भी तकलीफ है उसका इलाज प्योर हर्बल मेडिसिन से करते हैं। इसमें किसी भी किस्म का स्टेरॉइड्स का हम इस्तेमाल नहीं करते। हो सका तो इलाज भी तदबीर भी करनी पड़ती है, हो सका आके रुकना भी पड़ेगा। तो हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल वानियम्बाड़ी बेंगलोर, अगर आप करीब रहते हैं तो आप आके इलाज कर सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं तो आप पोस्ट के जरिए से जो है इलाज करवा सकते हैं। अगर आपको सहूलत है आप आने की तो अपने हॉस्पिटल में आके आप 5 दिन एडमिट होके भी इलाज कर सकते हैं। आपके इलाज को सराहते हुए कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन मौलाना हजरत शेख डॉक्टर सैयद अहमद शकूरी साहब ने डॉक्टर यासर अरफात को दारुल हुदा इल्म ओ अमान के इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। इजिप्ट के मुफ्ती आजम दुक्तूर महर अब्दुल कादिर मोहम्मद अली साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। किंग फहद मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर उमर हसन साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। अमेरिका की मशहूर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर इलाज के माहिर डॉक्टर डॉन ए डिक्सन ने भी डॉक्टर यासर अरफात को इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। नाजरीन, आज मैं आपको लिवर प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। लिवर एक फैक्ट्री है, अगर ये सेहतमंद है तो समझे कि दूसरे सारे ऑर्गन्स सेहतमंद है। अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ गई, समझो कि कोई ना कोई ऑर्गन वो ख़त्म होता जाएगा, जैसा फैटी लिवर, दूसरा हेपेटाइटिस जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है लिवर के अंदर, हेपेटोमेगाली यानी लिवर बड़ा हो जाता है, लिवर सिरोसिस यानी लिवर फेल हो जाता है, और लिवर कैंसर, इसके अंदर कैंसर आ जाता है। यूनानी हर्बल दवाओं के अंदर, यूनानी किताबों के अंदर आप देखेंगे जिगर की हरारत को दूर करने के लिए, जिगर को ताकत देने के लिए, जिगर के वर्म को दूर करने के लिए, जिगर के अंदर फैट जो भरा है उसको दूर करने के लिए, या लिवर फेलियर है उसके लिए बेहतरीन दवाओं का जिक्र कई हज़ार साल के किताबों के अंदर मौजूद है। यूनानी के अंदर जिगर की बीमारियों का ख़ास इलाज है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके कम अज़ कम 50,000-60,000 खाली सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाते हैं, बट इलाज कुछ भी नहीं है। अगर आपके अतराफ में कोई ऐसे मरीज़ हैं जो लिवर से इफ़ेक्टेड हैं, फैटी लिवर के पेशेंट हैं, या हेपेटोमेगाली के पेशेंट हैं, लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, या जो है किसी भी किस्म का वर्म जो है जिगर के अंदर आया है, या ओबेस पेशेंट है जिसे लिवर इफ़ेक्ट हो सकता है, तो ऐसे लोग अगर हमारे हॉस्पिटल के करीब हैं, यानी बेंगलुरु में करीब हैं या तमिलनाडु में वानियम्बाड़ी के पास हैं, तो आप आ सकते हैं, आके इलाज व मालिजा कर सकते हैं। या आप बहुत दूर से हैं तो आप ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से अपने लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के अंदर जो लिवर फंक्शन टेस्ट है और अल्ट्रासोनोग्राफी,
ये रिपोर्ट्स हमारे पास भेज के हमारे हॉस्पिटल से राय मशवरा ले सकते हैं और हमारी दवाओं से इंशाअल्लाह अल्लाह सुबहाना तआला ने काफ़ी शिफा रखी है। हमारी यूनानी हर्बल दवाओं से जिगर को ताकत भी मिलती है, वर्म भी जाता है और लिवर जो बड़ा होता है हिपेटोमेगाली वो भी ठीक होता है और लिवर फेल होने से भी बच जाता है। आपकी रिसर्च कौमी और बैनुल अक्वामी सतह के कई सेमिनार कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में शिरकत करके जिन मकालत को पढ़ा है जिस पर उनको कई अवार्ड्स और तारीफियों तौसीफी सनादों से नवाजा गया है इनके इल्म और तजर्बा की गहराई का सबूत है। नाजरीन आज हम आपको किडनी स्टोन यानी गुर्दे की फतरी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। गुर्दे की फतरी ये बनती क्यों है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ पत्थर चला जाता है और वो जाके किडनी में बैठ जाता है, बट बात ऐसे नहीं होती। गुर्दे की फतरी की वजह ये होती है कि जो पानी का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, जिस एरिया में जहाँ का पानी के अंदर कैल्शियम और ऑक्सलेट और जिंक ज़्यादा होते हैं वो जाके गुर्दे में जमा हो जाती हैं। गुर्दों का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना। जाहिर से बात है गुर्दे कोशिश करते हैं कि जो भी हम खाते हैं जो भी हम पीते हैं उसको फिल्टर करने की, मगर जब गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं तो ये जो पानी के अंदर जो जिंक है कैल्शियम है ऑक्सलेट है इसको फिल्टर कर नहीं पाते, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे जो है ज़र्रात किडनी के अंदर जमा हो जाती हैं और ये जो है ज़र्रात एक के बाद एक एक के बाद एक जमा हो के सख्त शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसको गुर्दे की फतरी कहते हैं या किडनी स्टोन कहते हैं। अगर यही स्टोन यूरेटर में आ जाता है तो बहुत तकलीफ़ और बहुत शिद्दत का दर्द होता है और उसके बाद अगर ये जो पत्थर यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में आ जाता है तो उसी को जो है यूरिनरी ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इस किडनी स्टोन का सही वक्त पे इलाज ना किया जाए तो किडनी के अंदर जो छोटे छोटे नेफ्रॉन हैं जो कि किडनी को फंक्शन करती हैं, ये जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, इसी से पूरा जो है फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है ये ख़राब हो जाता है। इसी तरह से किडनी के अंदर अगर पत्थर है अगर उसको ना निकाला जाए तो ये गुर्दों के अंदर जो नेफ्रॉन है उसको डैमेज कर देती हैं और डैमेज करने के बाद ये जो है फिल्ट्रेशन का पूरा जो है ख़राब करने के बाद ब्लड के अंदर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है जाना शुरू होती है। शुरुआत के अंदर किडनी स्टोन का आसानी से इलाज है। आप अगर यूनानी मेडिसिंस का इस्तेमाल करते हैं अगर शुरुआत के अंदर तो आपको किडनी में जो पत्थर है वो घुल के यूरेटर के थ्रू पेशाब के ज़रिए से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से अगर खुदा ना खास्ता कोई किडनी स्टोन का मरीज़ है जिसको डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए कहा है और आप नहीं करना चाहते या आपके पास इतने पैसा नहीं है कि आप जो है सर्जरी के लिए इलाज कर सकें, तो आप ऐसे हजरत डॉक्टर यासा यूनानी हर्बल हॉस्पिटल को कांटेक्ट करके दवा पोस्ट के ज़रिए से अपने घर तक जो है आप मंगवा सकते हैं, अपना इलाज व मालिजा कर सकते हैं। डॉक्टर यासर अरफात डॉक्टर सफीना के यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में मकामी मरीजों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से मरीज इलाज के लिए आते हैं और उनके रहने का भी खास इंतजाम किया जाता है। खासकर सऊदी अरब गल्फ और एशिया के ममालिक से मरीज आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पाते हैं। ये पाइल्स बहुत तकलीफदा बीमारी है, इसमें बहुत से लोग मुतासिर भी होते हैं जिसमें कुछ लोगों को मोशन करने के वक्त खून भी बहता है और शिद्दत का दर्द का एहसास भी होता है। कुछ लोगों को खून नहीं आता बल्कि सिर्फ म्यूकस जो है निकलता है। ये पाइल्स दो किस्म का होता है, एक इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। हमारे डॉक्टर यासा यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में हम ऐसी दवाएं पाइल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं और कुछ दवाएं लगाने के लिए भी देते हैं जिसके इस्तेमाल से बेहद फायदा होता है। डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में इसके अलावा मट थेरेपी एक्यूपंक्चर मॉक्सिबुशन
कपिंग, कल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, बनाना लीफ थेरेपी जैसे कदीम तरीके से इलाज किया जाता है। नाजरीन, आज हम आपको साइनोसेटिस के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। साइनोसेटिस, जिसको हम नज़ला और ज़ुकाम भी कहते हैं, ये तो बहुत कॉमन बीमारी है। तकरीबन घर में कोई ना कोई छींकता रहता है, किसी ना किसी को नज़ला होता है। दिमाग की कुछ रुतूबतें होती हैं, अगर वो अगले हिस्से में आके जमा हो जाती हैं तो उसको ज़ुकाम कहते हैं, और वो पिछले हिस्से में नीचे तरफ जाते हैं तो उसको नज़ला कहा जाता है। बात यह है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर, क़ुव्वत मनात कम है, ऐसे लोगों को इन्फेक्शन बार बार अटैक करता है। ये जो स्कल है, इसके अंदर आप देखा जाए तो सुराख होते हैं जिसको साइनस कहते हैं, जिसके अंदर हवा भरी रहती है। अगर वो हवा के बदले जो रुतुबत खारिज होती है वो जमा हो गया तो उसमें इन्फेक्शन होता है, जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं। जो लोगों को इम्यूनिटी पावर कम है तो ऐसी दवाओं का या ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, क्योंकि जो साइनोसाइटिस होती है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफदा और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली एक प्रॉब्लम है। बार बार नाक से पानी का निकलना, बार बार छींक आना, आंखें लाल हो जाना, नाक में खुजली होना और बार बार खांसी होना, ये तकलीफ़ों से जो है रूटीन के जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर साइनोसाइटिस का बेहतरीन इलाज होता है। अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसे लोग मुतासिर हैं जो बार बार छींकते रहते हैं, या उनको DNS यानी डिएवेटल नेजल सेप्टम की प्रॉब्लम है और बार बार उनको जो है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होती रहती है, ऐसे लोग डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनसे रूबरू मुलाकात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम किया जा सकता है। नाजरीन, आज हम आपको कुछ बातें डिप्रेशन के बारे में बताएंगे। डिप्रेशन यानी मायूसी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो हर वक्त नेगेटिव फीलिंग्स, सुसाइड टेंडेंसी, नेगेटिव थॉट्स, हर वक्त मारने और मरने की बातें करते रहते हैं। उनको आप जायदाद दे दो, उनको आप गाड़ी दे दो, उनको आप बंगला दे दो, बट वो किसी में खुश नहीं होंगे। इसको डिप्रेशन यानी मायूसी कहा जाता है। इंसान एक टारगेट रखता है अपनी लाइफ में कि मैं एक कार लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, और उसके चक्कर में वो मेहनत करता है। फिर समझता है कि मैं घर बना लूँगा तो शायद मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। फिर उसको लगता है कि नहीं, मैं शादी कर लूँगा तो लाइफ में सेटल हो जाऊँगा, फिर वो शादी भी करता है। फिर समझता है कि नहीं, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। जब उसको अच्छी जॉब भी मिल जाती है तभी भी उसकी खुशी नहीं आती, इसको डिप्रेशन कहा जाता है। यानी अल्लाह की दी हुई सारी नियामतें मिलने के बावजूद भी मायूसी और वो डिप्रेशन का शिकार होता है। डिप्रेशन के कई वजूहात हैं, जैसे लोगों से एक्सपेक्टेशन करना। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जो डिप्रेशन में मुब्तला हैं। उनसे बात करने के बाद ये पता चलता है कि वो क्यों डिप्रेशन में मुब्तला हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, और जो वह चाहते हैं अपने बच्चों से वो उनको नहीं मिल पा रहा है। जब हम उनसे सवालात करते हैं कि भाई बच्चा आपको पैसा देता है, बोलते कि हाँ। आपको रहने के लिए घर है, बोले कि हाँ। खाने के लिए खाना वगैरह का अरेंजमेंट करता है, बोले कि हाँ। और फिर आप डिप्रेशन क्यों हैं, तो बोलते कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, और जो है मेरी बात, मेरी जो राय है उसको नहीं मानता। बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशन उसको फुलफिल नहीं होता है जब माँ बाप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में हम डिप्रेशन का इलाज करते हैं। इससे कई लोगों की ज़िंदगी अल्लाह के करम से बदल चुकी है। जो लोग एंटी डिप्रेशन खा रहे थे, जो लोग नींद की दवाएं खा रहे थे, हमारे हॉस्पिटल के इलाज के बाद वो लोग डिप्रेशन से निकल के काफ़ी हेल्थी लाइफ गुजार रहे हैं। नाजरीन, अगर आपके घर के अंदर या मोहल्ले के अंदर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो दुनिया से कट के
डिप्रेशन में जाते हैं और बार बार सुसाइड करने के कोशिश करते हैं या सुसाइड करने की बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, कोई मेरा नहीं है, इस दुनिया से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे मर जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसी अगर बातें करते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल के नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर उनके कुछ रिपोर्ट्स हैं तो आप हमें भेजें, उनको काउंसलिंग के साथ साथ दवाएं अगर देंगे तो उनको बेहद फ़ायदा होता है। अगर वो एंटी डिप्रेशन या नींद की दवाएं भी खा रहा है तो हमारी दवाएं खाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से डिप्रेशन में जो मुब्तला है वो निकल सकता है। किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी स्टोन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रेनल फेलियर, किडनी ट्यूमर, हाइड्रोनेफ्रोसिस, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, लिवर डिसऑर्डर्स, लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी जी वायरस इन्फेक्शन, फैटी लिवर, जॉन्टिस, डायबिटीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बियर, ब्रांडी, विस्की, ड्रग एडिक्शन, न्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, सर्विकल स्पॉन्डिलिटिस, लंबर स्पॉन्डिलिटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, हेडेक, माइग्रेन, नर्व पेन, मस्कुलर पेन, पैरालिसिस, अस्थमा, एलर्जी, sinusitis, skin diseases, vitiligo leucoderma, psoriasis, dermatitis, premature ejaculation, loss of sexual desire problems caused by masturbation, ladies problems, uterus problems, uterus fibrosis, polycystic ovaries, urinary tract infection, leucorrhea, menstrual problem, oligospermia, low mortality, HIV AIDS, sexual transmitted diseases, cancer, blood cancer, abdominal cancer, hair falling, dandruff, baldness, obesity, gallbladder stone, obstructive jaundice, high cholesterol, major mental depression, psychiatric problems, sexual depression, loss of interest in works, gastritis, gastric ulcer and chronic constipation. अपने हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मुकम्मल देखभाल, इलाज और मुआलजा पर दोनों मियां बीवी खास तवज्जो रखते हैं। अपने खानदानी नुस्खों के मुताबिक दवाओं को खुद तैयार करके देते हैं, ये उनकी खास खूबी है। इनसे रूबरू मुलाकात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम किया जा सकता है। डॉक्टर साहिबा खुद आपके सवालात का जवाब देंगी। एड्रेस: डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, 74/474 राहत महल बिल्डिंग, जिन्ना रोड, खादरपेट, नियर खादरपेट मस्जिद एंड रेलवे स्टेशन, वेनियामपाड़ी, 635751, तमिलनाडु। मोबाइल नंबर 9943006167, 9894140363। बेंगलोर कसीनी हॉस्पिटल, 11/2 क्वींस रोड, संजीवनी बिल्डिंग, शिवाजी नगर, बेंगलोर 52, कर्नाटका। मोबाइल नंबर 9036078614, 9766596927।